नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। देवभूमि में आपका बहुत स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं गैरसैंण में। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। चमोली आपदा में मारे गए लोगों के लिए मौन रखा गया है। इस दौरान प्रश्नकाल में कांग्रेस ने उठाया है महंगाई का मुद्दा। महंगाई के मुद्दे पर नियम 310 पर चर्चा चाहती थी कांग्रेस। प्रश्नकाल में लगे थे परिवहन मंत्री, समाज कल्याण, पर्यटन और धर्म संस्कृति विभाग से जुड़े प्रश्न। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने पर्यटन मंत्री से पूछा सवाल कि मंदिरों के सौंदर्यकरण और सीएम की घोषणाओं के बारे में कई सवाल पूछे गए। तो उत्तराखंड विधानसभा बजट का दूसरा दिन था आज। 11 बजे से ये कार्रवाई शुरू की गई थी सदन में। वहीं प्रश्नकाल के दौरान सरकार ने विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया है। कई सवाल पूछे गए थे। शून्यकाल में नियम 310 के तहत भी विधायकों ने कई सवाल पूछे जिसका जानकारी दी गई। इस दौरान पर्यटन मंत्री और का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने जो है बंदर के सौंदर्यीकरण के लिए भी विधायक निधि के लिए बताया, धनराशि को बढ़ोतरी के लिए बताया। वहीं बता दे उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन आज है। चमोली आपदा में मारे गए लोगों के लिए यह मौन रखा गया था। इस दौरान फहीम तना रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। फहीम, उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन था, क्या कुछ इस दौरान खास रहा है? देखिए, महत्वपूर्ण अगर बात कहें सत्र के दूसरे दिन में, वो चमोली की तपोवन में आपदा आई पिछले दिनों और उसमें जितने लोग हताहत हुए हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी गई और मौन रखा गया मृतकों की आत्मा की शांति के लिए, और श्रद्धांजलि पूरे सदन ने यानी सरकार ने व्यक्त की है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज प्रश्नकाल हुआ है, और चूंकि प्रश्नकाल कई विभागों से संबंधित प्रश्न रखे गए, इसमें सत्ताधारी दल के विधायकों सहित विपक्ष के विधायकों ने अपने अपने सवाल उसमें किए थे योजनाओं को लेकर के। और इसमें मुख्य तौर पर अगर कहे तो पर्यटन से कई सवाल रखे गए और इसके अलावा धर्म संस्कृति से जुड़े कई सवाल रखे गए हैं। फहीम, कांग्रेस ने महंगाई का मुद्दा इस दौरान उठाया है, इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही है? जी बिल्कुल, विपक्ष ने महंगाई का मुद्दा उठाया सदन के अंदर, और महंगाई अलग अलग खाद्य सामग्री में हो या फिर पेट्रोलियम हो, तमाम महंगाई के मुद्दों को लेकर के विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। और लेकिन सरकार की तरफ से महंगाई को लेकर के जो तर्क दिए गए हैं, चाहे तो वो पेट्रोलियम के तर्क हैं और चाहे वो खाद्य सामग्री के महंगाई को लेकर के बात है, सरकार ने अपने तर्क दिए हैं। बहरहाल इस पर काफी देर चर्चा हुई और विपक्ष ने सरकार की जिम्मेदारी उसमें ठहराने की कोशिश की कि महंगाई को लेकर के क्या आम आदमी त्रस्त है, चाहे किचन का बजट गड़बड़ा रहा है, चाहे बाजार का बजट है, और ये सारे गड़बड़ा रहे हैं, तो महंगाई को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की विपक्ष ने। फहीम, अब जो बात सामने आ रही है कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का भी कांग्रेस विधायक ने उसका जवाब दिया है, इन सबको लेकर जो 32 घोषणाएं की गई है सौंदर्यीकरण को, मंदिरों को लेकर जो उनके सौंदर्यीकरण को लेकर हुए, उसके ऊपर क्या कहना रहा? मुख्यमंत्री की घोषणाएं थी सौंदर्यीकरण को लेकर के मंदिरों के, उस पर जवाब मांगा था, उस पर सवाल किया था कि आखिरकार जो घोषणाएं हुई हैं उनका क्या स्तर है, क्या स्टेटस है, कितनी वो पूरी हो चुकी है। तो इसमें जवाब दिया गया है कि ज्यादातर घोषणाएं अब पूरी हो चुकी हैं, उस पर काम अभी चल रहा है और कुछ भी बाकी है, क्योंकि घोषणाएं सतत ने अपना जवाब दिया है कि जो घोषणाएं हैं पीएम की उन पर काम हो रहा है और काफी बड़ी संख्या ऐसी है जिन पर काम हो चुका है। चलिए फहीम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि आज उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन रहा। तो गरिमा दसौनी कांग्रेस से इस समय हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गरिमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया में। सबसे पहले नमस्कार, धन्यवाद। गरिमा जी, सवाल मेरा सबसे पहले यही है कि बजट सत्र का दूसरा दिन रहा और इस दौरान जो है प्रश्नकाल में महंगाई के ऊपर कांग्रेस की तरफ से मुद्दे ये उठाया गया। देखिए, अकेले फरवरी महीने में 100 रुपया सिलेंडर पे बढ़ा दिया गया और दिसंबर से आज तक हम देखें तो 200 रुपए का इजाफा सिलेंडर में हो गया है, और आज ही के समाचार पत्रों की ये मुख्य खबर है कि 25 रुपया आज फिर बढ़ गया।
तो आप सोच सकते हैं कि मार्च का पहला दिन जब 25 रुपया बढ़ गया और फरवरी में अकेले 100 रुपया बढ़ा, तो मात्र 28-29 दिन में अगर 125 रुपया बढ़ जाता। हमारे समय पर जब 10 रुपया बढ़ता था तो ये सब सड़कों पर उतर कर आ जाते थे। तो ऐसे में ये बहुत ही ऐसा मुद्दा था जो जन जन को छूने वाला मुद्दा था, जिससे पूरे उत्तराखंड की जनता, देश की जनता के साथ साथ जिसकी कमर टूटी हुई है महंगाई से। इस वक्त परचेजिंग पावर किसी की नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, बाजार में पैसा नहीं है, अर्थव्यवस्था को पैसे की जरूरत है। ऐसे में सरकार लगातार जिस तरह से पेट्रोल डीजल और ये एलपीजी के गैस एलपीजी के दाम बढ़ोतरी कर रही है, उसको देखते हुए यही कह सकते हैं कि ये सदन में उठाया जाने वाला ही मुद्दा था। और मैं माननीय प्रीतम सिंह जी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने जन जन की पीड़ा को समझते हुए उसको सड़क से लेकर सदन तक उस पर हल्ला बोल किया है। अभी हाल ही में हमने महंगाई पर एक वृहद प्रदर्शन सड़क पर भी किया था। जितने भी लोकतंत्र में विपक्ष को हथकंडे मिले हुए हैं संविधान के हिसाब से, हम सारे माननीय प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में अपना रहे हैं और इस गूंगी बहस भी सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। गरिमा जी, मैं आपके पास फिर आऊंगी। इस समय डॉक्टर देवेंद्र भसीन, प्रदेश मीडिया प्रभारी, हमारे साथ इस समय बीजेपी से जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वन इंडिया में। सबसे पहले जी धन्यवाद। देवेंद्र जी, सबसे बड़ा जो सवाल है कि ये जो बजट सत्र पास हुआ है उसमें जो है सबसे बड़ा जो मुद्दा सामने आ रहा है वो ये है कि महंगाई को लेकर ये बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है कि महंगाई इस समय बहुत बढ़ चुकी है और चरम पे पहुंच रही है। देखिए, महंगाई को हमको दो प्रकार से देखना होगा, एक जरूरी वस्तुओं के मूल्यों का, उनकी उपलब्धता का, और दूसरी ओर पेट्रोलियम पदार्थों का। ये बात तय है, इसमें केंद्र सरकार भी इस बात को स्वीकार कर रही है और चिंता व्यक्त की जा रही है कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं और उसके कारण मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से ओपेक देशों ने अपना उत्पादन कम कर दिया है लाभ कमाने के लिए, उससे कच्चे तेल के दाम चढ़ रहे हैं और इसी कारण से पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इसका फॉर्मूला निकालना चाह रही है जिससे कि दाम कुछ कम हो, और इसी प्रकार से उन्होंने राज्यों से भी अपेक्षा की है कि वे भी इसमें सहयोग करें, तो इसमें कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा और ये चीजें नियंत्रण में आ जाएंगी। जहां तक जरूरी वस्तुओं का सवाल है तो जरूरी वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो अपनी सीमा में है और अगर हम देखें तो उनकी उपलब्धता पूरी तरह से, कहीं कोई कालाबाजारी नहीं है किसी प्रकार से, ना तो राशन की दुकानों में कमी है और ना ही किसी प्रकार से जो बाजार में कोई कमी है। देवेंद्र जी, हम आपके पास फिर आएंगे। गरिमा जी, देवेंद्र जी का कहना है कि इस दौरान जो बजट सत्र उसमें पास हुआ और उसमें उनका कहना है कि कोई भी काला बाजारी नहीं हो रही है, महंगाई का जो मुद्दा उठ रहा है उसमें कोई भी काला बाजारी नहीं हो रही है, साफ तौर पर सारे काम किए जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मैंने सुना देवेंद्र जी क्या कहा, मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा क्योंकि मेरी एक बड़ी व्यापक दी है जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं और कितने कितने प्रतिशत दाम बढ़े हैं ये भी मैं दोबारा इनको गिनना चाहूंगी, तो मुझे समझ लीजिएगा। दलहन के दामों में 41% का इजाफा हुआ है 2014 अभी तक। जितनी दालें अब आप उठाकर देख लीजिए, कोई 36% है, कोई 41% है, कोई 26% है और लगभग सबका डबल रेट में आज बाजार में बिक रही है। तो अगर इनको ये जरूरी काम नहीं लग रहा है प्रतिम जी को, तो अच्छा कि अगर लोगों की थाली से दालें गायब हो रही है के कानों में दिख रही। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोरोना संकट के दौरान $28 प्रति बैरल भी तेल गया, कच्चा तेल गया, तब भी इन्होंने जनता को राहत नहीं दी। और मैं बताना चाहती हूँ आपको कि आज लागत लगभग 33 या 34 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल डीजल की भारत सरकार को पड़ रही है, लेकिन उसके ऊपर 100% टैक्स पहले भारत सरकार लगा रही है और उसके बाद राज्य सरकारें अपना अतिरिक्त टैक्स वैट के रूप में ले रही हैं। यहाँ पर लगभग 11.5 रुपए डीजल पर लिया जा रहा है और 19.5 रुपया पेट्रोल पर राज्य सरकार वैट ले रही है, और उधर भारत सरकार जो है 33-34 रुपया जो प्रति लीटर की लागत हमें लग रही है कच्चे तेल को प्रोसेसिंग करने के बाद, तो उसमें 35-36 रुपया भारत सरकार लगा दे रही है, यानी कि 100% जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।
तो अगली खबर का रुख करेंगे। चमोली लाठी चार्ज पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने घटना को निंदनीय बताया है। मामले में सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। सीएम त्रिवेंद्र ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सीएम त्रिवेंद्र सिंह का कहना है। कल चमोली में प्रदर्शनकारियों पर हुआ था लाठीचार्ज। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जिले में एक सड़क को चौड़ा करने के लिए 87 दिन से जन आंदोलन चल रहा है। इसी की मांग को लेकर ग्रामीणों को राजधानी गैरसैंड के में बजट सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करने की कोशिश करना महंगा पड़ गया। रोकने के बाद भी जब ये लोग आगे बढ़े तो पुलिस ने इन पर लाठी चला दी, जिसके बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि लाठी चार्ज की घटना की सारी सच्चाई सामने आनी चाहिए। इस घटना को गंभीरता से लेकर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। सीएम ने कहा है कि ये सड़क 1.5 लेन की सड़क बननी है और इसको लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है और सरकार का सड़कों को लेकर गंभीरता से काम कर रही है, लेकिन कुछ लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। आज गैरसैंड के करीब देवाली खाल नामक स्थान पर घाट ब्लॉक के लोगों द्वारा सड़क चौड़ीकरण के लिए जो प्रदर्शन किया जा रहा था, उस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस प्रशासन के बीच में जो घटना घटित हुई, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से लिया। तुरंत उसका संज्ञान लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन से उसका बेस फीडबैक लिया और उसमें फिर एक मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए। ये घटना घटित नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों को 1.5 लेन सड़क से जोड़ने का सैद्धांतिक घोषणा कर चुके थे। आज गैरसैंड के करीब देवाली खाल नामक तो चमोली में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ था। लाठीचार्ज पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि घटना को उन्होंने निंदनीय बताया है। तो बता दें कि उत्तराखंड के चमोली में ये लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा किया गया था। दरअसल 87 दिन से ये जन आंदोलन चल रहा था सड़क के चौड़ीकरण को लेकर। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश देते हुए घोषणा की है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सामान्यतः हम चूंकि देहरादून में रहते हैं, यहाँ हमने अक्सर जब भी विधानसभा सत्र होते हैं इस प्रकार के आंदोलनों को देखा है, और जब भी विधानसभा सत्र के दौरान इस प्रकार के आंदोलन होते हैं तो शासन प्रशासन के द्वारा उन्हें तितर बितर करने का प्रयोग किया जाता है, हल्का फुल्का बल प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन उसका कोई रिएक्शन आंदोलनकारियों के द्वारा सामान्यतः नहीं किया जाता। लेकिन जिस प्रकार की घटना वहाँ हुई है, वहाँ अब ये जांच का विषय है कि पहले पत्थरबाजी हुई फिर लाठीचार्ज हुआ या क्या हुआ, और अगर लाठीचार्ज जैसा हुआ और उसके बाद वहाँ पुलिस बल पे और उस पर पत्थरबाजी हुई, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और एक चिंताजनक चेतावनी देने वाली घटना है। तो रुख करेंगे चमोली में। गोपेश्वर पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। केदारनाथ विधायक मनोज रावत के घर पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। विधायक के पिता के निधन पर व्यक्त की संवेदना। कुछ दिन पहले विधायक मनोज रावत के पिता का देहांत हो गया था। तो आपको बता दें कि गोपेश्वर पहुंचे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, जहां पर केदारनाथ विधायक मनोज रावत के घर पहुंचे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले विधायक मनोज रावत के पिता का देहांत हो गया था। विधायक के पिता के निधन पर व्यक्त की संवेदना उन्होंने। तो केदारनाथ विधायक मनोज रावत के घर पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने उनके पिता के निधन पर संवेदना व्यक्त की। कुछ दिन पहले उनका निधन हो गया था, उनके पिता का निधन हो गया था। विधायक मनोज रावत के पिता का देहांत हो गया था, जिसके चलते वे केदारनाथ विधायक मनोज रावत के घर पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। विधायक के पिता के निधन पर उन्होंने संवेदना व्यक्त की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर केदारनाथ विधायक मनोज रावत के घर पर पहुंचे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहां पर उनके पिता के देहांत पर
उन्होंने संवेदना व्यक्त की है, उन्होंने मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने पिता के निधन पर संवेदना व्यक्त की है। कुछ दिन पहले ही विधायक मनोज रावत के पिता का देहांत हो गया था, जिसके तहत अब जो है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत उनके घर पहुंचे हैं विधायक मनोज रावत के, और पिता के निधन पर संवेदना व्यक्त की है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधायक मनोज रावत से मुलाकात की है और उनके पिता के निधन पर संवेदना व्यक्त की है। तो गोपेश्वर पहुंचे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, जहां पर केदारनाथ विधायक के मनोज रावत के घर पहुंचे हैं सीएम, जहां पर उन्होंने विधायक के पिता के निधन पर संवेदना व्यक्त की है, शोक व्यक्त किया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही विधायक मनोज रावत के पिता का निधन हो गया था। तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मनोज विधायक मनोज रावत के घर पहुंचे हैं। मनोज रावत के पिता का निधन हो गया था, देहांत हो गया था, जिसके बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत उनसे मिलने पहुंचे और उनसे मुलाकात की, और साथ ही उनके पिता के मृत्यु के उपरांत उन्होंने संवेदना व्यक्त की। उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आगामी 4 मार्च को वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेंगे। बजट में उत्तराखंड के लिए क्या कुछ खास होगा, इसी मुद्दे पर गढ़वाल से बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत से हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने खास बातचीत की, सुनिए। उत्तराखंड का बजट सत्र शुरू हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत जी हैं। सर, क्या कुछ खास है इस बजट सत्र में उत्तराखंड के लोगों के लिए? देखिए, बजट के अंदर उत्तराखंड का चौमुखी विकास, आम जन के लिए सुविधाएं, रोजगार के साधन उपलब्ध कराना और सभी को सड़कों पानी से मुहैया कराना, बेरोजगारी दूर, ये सारी चीज़ें उसमें झलकेंगे और दिखेगा। और मैं कह सकता हूँ कि प्रदेश सरकार वैसे भी केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री की जिस तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट हैं और जिस तरह प्रधानमंत्री जी पूरा उत्तराखंड का चौमुखी विकास कर रहे हैं, उसकी भी झलक मिलेगी। हर घर में नल, नल में जल, यह योजना प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर भी और तेज़ी से चल रहा है, तो वहीं प्रदेश सरकार ने भी कहा कि 1 रुपये का कनेक्शन हम देंगे, तो ये सबके सामने है। सर, ये आखिरी बजट है सरकार का, आने वाले दिनों में चुनाव भी है विधानसभा का, बीजेपी कितनी तैयार है? देखिए, बीजेपी पूरी तरह तैयार है और बीजेपी पूरी तरह विकास की ओर आगे बढ़ रही है, और बीजेपी का एक ही फंडा है, एक ही मुद्दा है कि विकास। और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह कहा है, जिस तरह कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसको नीचे तक ले जाने का काम हम करेंगे। केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं और साथ में प्रदेश सरकार की उपलब्धियां, वो जन जन तक पहुंचाई जाएगी और वो इस बजट सत्र में भी दिखेगा और केंद्र में भी दिखा। कितनी सीटें उम्मीद करते हैं सर, आने वाले दिनों में चुनाव है उत्तराखंड? 2/3 मेजोरिटी से अधिक लेके आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनाएंगे। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ तीरथ सिंह रावत जी, जिनका कहना है कि आने वाले दिनों में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी की पुनः वहां पे सरकार बनने जा रही है। न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। उत्तराखंड का तो अगली खबर का रुख करेंगे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है, कुंभ में लगी पाबंदियों और कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। माघ मेला के दौरान नहीं मिला कोई कोरोना संक्रमित, उन्होंने कहा कि माघ मेला की तरह कुंभ मेले का भी हो शांतिपूर्ण समापन। माघ मेला समाप्ति पर अध्यक्ष ने सीएम का आभार जताया है। हरिद्वार में कुंभ मेले को लेकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने सरकार पर निशाना साधा है। अध्यक्ष ने कुंभ के आयोजन में लगी पाबंदियों पर सवाल उठाए हैं और उत्तराखंड सरकार से आग्रह किया है कि जैसे माघ मेले की तरह कुंभ मेले को भी शांतिपूर्ण समापन किया जाए। संतों की तपस्या
गंगा जी के रेत के तट पे समाप्त हुई। कोरोना काल के समय मांग मेला होगा या नहीं होगा यह संशय बना था, पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी एवं संत महात्माओं का निवेदन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि मेला परंपरागत ही होगा, जैसे पहले माघ मेला था वैसे ये भी होगा। और उन्होंने विधिवत माघ मेला कराया, टेंटिंग की व्यवस्था की, टेंट लगे, क्लबवासी आए। मौनी अमावस्या के दिन सरकारी आंकड़े कुछ भी हो, मैं वहाँ मौजूद था, करोड़ों लोग स्नान करके गए। पूरे मेले के दौरान न तो किसी को कोरोना हुआ, न कोई बीमार हुआ, न कोई दुखी हुआ। फिलहाल देवभूमि में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।